दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी है और बिहार की भी सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने पटना में आज एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वालों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी, पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे। इस विजन डॉक्यूमेंट में जो अभी अभी जारी हुआ है कुछ देर पहले, उन्होंने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की थीम दी है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विजन डॉक्यूमेंट में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है बिहार की जनता से, कि जो एक एश्योरेंस दिया गया है, एक जैसे मैनिफेस्टो होता है तो उसमें घोषणा होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार की जनता से वायदा किया गया है कि हम पावर में अगर आ गए, जो पावर में हैं अभी, तो पूरे बिहार की जनता को यानी एक एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे। कोरोना की जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो मुफ्त में देंगे। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी देगी या सरकार देगी, लेकिन उन्होंने ये वायदा पूरा कह दिया। अब ये वायदा पूरा कैसे होगा? वैक्सीन तो आई नहीं है, वैक्सीन कब आएगी ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, आईसीएमआर बता सकता है, या अगर दूसरे मुल्कों से लेना है तो दूसरे मुल्कों को भी, अभी बहुत सारे मुल्कों को नहीं मालूम कि कब तक आएगी वैक्सीन। लेकिन इस चुनाव में वैक्सीन का वादा कर दिया बीजेपी ने। 19 लाख जॉब्स की बात की है, अगर 10 लाख महागठबंधन ने करी है तो इन्होंने 19 लाख कर दी। अब सवाल यह है कि 19 लाख अगर आपको देना है तो 9 लाख ही दे देते। 5 साल से आपकी सरकार है, 5 साल से थोड़े दिन कम कह लीजिए, क्योंकि आपने जनादेश को पलट दिया था, यानी नीतीश कुमार और RJD ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जब सरकार उनकी बनी तो आपने उसको हड़प लिया था जनादेश को, तो कुछ देर और उसमें से निकाल दीजिए, फिर भी आपकी सरकार अगर 4 साल से है तो भी आपने 9 लाख ही दे देते। अच्छा 9 लाख नहीं, चलो आप कम से कम 2 लाख दे देते जॉब, लेकिन आपने तो बिल्कुल नहीं दिया, आपने जॉब्स लोगों की छीन ली और आप कह रहे हैं अब आप कि 19 लाख लोगों को जॉब देंगे। इसको लेकर बिहार में आज जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। हम जो कुछ आपके सामने कह रहे हैं, बिहार में जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उन्हीं को एक तरह से आपके सामने ला रहे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी और JDU को छोड़कर, हम किसी का कोई बयान किसी का सामने नहीं रख रहे हैं, आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी और JDU को छोड़कर इसका मजाक बनाया है। इसका न केवल मजाक बनाया है बल्कि ये भी कहा है कि ये बिहार की जनता का इस महामारी में, इस विपत्ति के काल में उसके भावनात्मक शोषण की तरह है। और दूसरा पहलू जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया है, और ये बात आम नागरिकों में भी है, कि वैक्सीन जो बनी ही नहीं उसका अपवादा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज के इतना कहने के बाद मैंने भी सोचा कि मैं डॉक्यूमेंट जो देखूं, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है। हमने देखा कि जो मॉडिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट है, जो नसीम जैदी साहब जब इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त जो जारी हुआ था, उसमें साफ कहा गया है कि अगर चुनाव के मध्य में कोई भी इस तरह की घोषणा की जाती है जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद हों, तो उनको बाकायदा ब्यौरा देना होगा कि इसमें कितना खर्च आएगा, इसका कहां से प्रबंधन किया जाएगा। और जो मूल जो डॉक्यूमेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उसके पैरा 4 का ये घोर उल्लंघन है, इस तरह का वायदा करना। तो मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में ये वैक्सीन का जो वायदा है वो इस विजन डॉक्यूमेंट का, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये विजन डॉक्यूमेंट इल्यूजन डॉक्यूमेंट है या कंफ्यूजन डॉक्यूमेंट है।
लेकिन निश्चित रूप से वैक्सीन का वादा करके ये तो बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि उसने, उसकी सरकार है बिहार में और उसने तो मास्क भी नहीं दिया लोगों को मुफ्त में, उसने तो लोगों की टेस्टिंग भी मुफ्त में नहीं कराई, और सबसे कम दोस्तों जहां टेस्टिंग हुई है देश में, उस प्रदेश का नाम बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, और अब बीजेपी कह रही है कि वैक्सीन देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप इलेक्शन में कह रहे हैं बिहार के लोगों को कि वैक्सीन मुफ्त में देंगे, जिन्होंने मास्क नहीं दिया, जिन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई, जिन्होंने यहां तक कि बाहर से आने वालों को रेल भाड़ा भी नहीं दिया। आप जानते हैं सबसे अधिक प्रवासी जो मजदूर थे जो बाहर से आए, उनको रेल भाड़ा तक नहीं मिलने दिया गया, उनको कोई प्रबंध नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जो बिहार के, उन्होंने तो कहा कि जो बाहर से आएगा उसको हम बिहार के सरहद पर ही रोक देंगे, और कईयों को रोका गया। ये तो बाद में जब प्रेशर बना तब लोगों को जाने की इजाजत मिली, और लोगों को क्वारंटीन सेंटर में जगह तक नहीं मिली। क्वारंटीन सेंटर बहुत जल्दी बिहार के बंद कर दिए गए, और जो हाल रहा कोरोना के दौरान और आज भी कोरोना जारी है, बहुत सारे यहां तक कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनका भी कोई प्रबंध नहीं है बिहार में। तो उस बिहार में अगर आप चुनाव के दरमियान कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में बांटने की बात कर रहे हैं, वो भी एक एक आदमी के लिए, मुझे लगता है कि ये तो अचरज की कहानी है। और फिर उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं आप देंगे, आप बंगाल को क्यों नहीं देंगे, आप असम को क्यों नहीं देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र जहां सर्वाधिक कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, जहां मौतें भी सर्वाधिक हुई हैं, वहां के लोगों को फ्री में क्यों नहीं देंगे। तो मैं तो मानता हूं कि ये घोषणा अगर निर्मला सीतारमण जी ने वहां पर कराई विजन डॉक्यूमेंट के जरिए, भूपेंद्र यादव ने कराई बीजेपी के संकल्प के नाम पर और वायदे के नाम पर, तो आज ही भारत सरकार को केंद्र में शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन जब भी आएगी भारत की समूची जनता को हम कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे। अगर आप फ्री में नहीं देंगे, इसका मतलब बिहार के जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप जनता को बिहार के वहां के मतदाताओं को छल कर रहे हैं, उनके साथ एक तरह का कपट कर रहे हैं आप उनके वोटों को हासिल करने के लिए, क्योंकि आपने सरकार जो चलाई है वो बेपर्दा हो चुकी है और अब आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता कम से कम इस मसले को जरूर समझेगी, इसलिए अभी भी वक्त है पूरे देश के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ ईमानदार है तो उसको पूरे देश के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री करने का अनाउंसमेंट जरूर करना चाहिए, इससे उसके संकल्प को एक लॉजिक मिल जाएगी। अदरवाइज लोग यही सवाल करेंगे कि चूंकि वहां चुनाव है तो चुनाव में आप कोरोना वैक्सीन को फ्री कर रहे हो, फ्री बनाने का वादा कर रहे हो, और सिर्फ वोट के लिए कर रहे हो, उसमें कोई जेन्युइननेस नहीं है, उसमें कोई ईमानदारी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर ईमानदार बनना है अपने वायदे को लेकर, अपने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, तो संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण पूरे महादेश के लिए अपनी अपनी जो कोरोना वैक्सीन की का जो वादा है, जो वादा कर रही है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी आज की पेशकश रही, और फिर मेरा ये कहना है कि विजन डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी का, कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन इसे इल्यूजन डॉक्यूमेंट नहीं बनना चाहिए, इसको कंफ्यूजन का डॉक्यूमेंट नहीं बनना चाहिए। बिहार में सवालात उठ रहे हैं मौजूदा सरकार पर, और जो जो वायदे जो किए गए थे, स्पेशल स्टेटस का वादा, जो सरकार स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकी 10 वर्ष के वायदे में, 10 वर्ष 15 वर्ष का वायदा है ये, और झारखंड बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं लगातार ये वायदा करते रहे जब से वो सरकार में है, लेकिन आज तक स्पेशल स्टेटस नहीं हुआ। पटना में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी वायदा नहीं पूरा हुआ। पटना यूनिवर्सिटी देश की पुरानी यूनिवर्सिटीज है, आज भी वो स्टेट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, फंड नहीं मिलता, लेकिन आप ये वायदे नहीं पूरा कर सकते। आप कोरोना वैक्सीन का वायदा पूरा कर रहे हैं जो पूरे देश के लिए कब उपलब्ध होगी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये जो विजन डॉक्यूमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, सचमुच इसको जारी करके बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। देखना है कि क्या वो संपूर्ण देश के लिए वैक्सीन को फ्री करने का ऐलान करके वाकई अपने विजन डॉक्यूमेंट को ईमानदार एक डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास करती है, कंफ्यूजन को, इल्यूजन को खत्म करने का प्रयास करती है या नहीं। अगर पूरे देश के लिए वैक्सीन फ्री करने का ऐलान करती है तो मैं समझता हूं इस बात का
अभिनंदन किया जाना चाहिए सरकार का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।